तो क्या हालचाल है तुम्हारे यार? देखो कोई काम वाम तो है नहीं हम लोगों को, लॉकडाउन लगा हुआ पड़ा है। तो यार तुम लोग एक काम करो, एक बकचोदी का फार्म है उसे भर दो। यार बकचोदी में कोई ना कोई नौकरी तो तुम्हें मिल ही जाएगी। लेकिन यार एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरे पास उस फार्म को भरने का कोई भी लिंक नहीं है। लेकिन यार मैं एक काम कर सकता हूँ, जो लोग ये नौकरी दे रहे हैं, फार्म भरवा रहे हैं, मैं उनसे तुम्हें मिलवा सकता हूँ। तो आओ यार उनसे मिलते हैं और देखते हैं आखिर कौन है वो लोग। ब्रो एक काम कर लो, बकचोदी कर लो। ब्रो एक काम कर लो, बकचोदी के फार्म भर लो। ब्रो एक काम कर लो, बकचोदी कर लो। ब्रो एक काम कर लो, बकचोदी के फार्म भर लो। ब्रो एक काम कर लो, बकचोदी कर लो। ब्रो एक काम कर लो, बकचोदी के फार्म भर लो। देखा यार तुमने, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा था यार। नहीं मैं झूठा नहीं हूँ यार। ये लोने ना भाई बहुत दिनों से सब गलियों में घूम रहे हैं, बकचोदी का फार्म भर लो, बकचोदी का फार्म भर लो। यार बेरोजगारों का साथ दे रहे हैं ये लोग। लेकिन यार साथ देने में कोई इतना डूब जाए ये मैंने आज पहली बार देखा है। मतलब यार हद होती है, किसी चीज की हद होती है। मेरे साथ केवल लौंडे लपटे, जब आते ज्ञान की बातें मुझे बांटे, फिर आके बैक के नाल मुझे तफरी वो काटे, पन की बातों से कभी किल्सी ना मिले। और यार इस लड़के के हाथ में ये क्या चीज है, ठीक से उठा भी नहीं पा रहा है यार ये इसे। नहीं इसकी शक्ल देखते ही पता लग रहा है इसे कितना जोर आ रहा है इसे उठाने में। नहीं देखने से तो ऐसा लग रहा है किसी ने जबरदस्ती ये बवाल इसके हाथ में थमा दिया है। बेचारे से मेरा लंड ठीक से पकड़ा ना जाए, इतना मासूम और कमजोर है ये बालक। खोपड़ी खुद जाते हाथ क्या उठाऊं, मेरे शब्दों का वार इनके लिए लादूं से और भर भर के चाटे। ब्रो एक काम कर लो, बकचोदी कर लो। ब्रो एक काम कर लो, बकचोदी के फार्म भर लो। ब्रो एक काम कर लो, बकचोदी कर लो। ब्रो एक काम कर लो, बकचोदी के फार्म भर लो। ब्रो एक काम कर लो, बकचोदी कर लो। ब्रो एक काम कर लो, बकचोदी के फार्म भर लो। अबे यार और कोई बकचोदी मिली नहीं क्या? थोड़ी देर पे 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 करने के बाद 5-6 बार लगातार बार बार फार्म बेचे जा रहा है। अबे यार तुम लोगों के पास कितने सारे फार्म है? और यार जरा इन लोंडों को एक बार तुम ध्यान से देखो, इनकी जाटों पर अभी तक बाल ठीक से नहीं आए होंगे, लेकिन सारे लोगों के दिमाग में पसड़ मचाने में लगे हुए हैं ये लोग। और यार जरा इस सस्ते जगदीश भगत को देखो तुम, मैं बता रहा हूँ ये दोनों ना गांजा फूके नशे नशे में फार्म भरने निकल गए हैं। क्या कह रहे हैं क्या कर रहे हैं इनका कोई ठिकाना नहीं है, ये लोग नशे में है। सस्ते नशे का यही होता है भाई। ले भाई चल कितने फार्म भरवाएगा, चलना चला के बोल। ले भाई चल कितने फार्म भरवाएगा, चलना चला के बोल। बेबी चला कब से खुद फर्म फर्म किए जा रहा था, स्क्रिप्ट में इसके अलावा तो कोई लाइन लिखी नहीं माता चौधरी, और मुझे बोलता है बैठ कर चला चूतिया कहीं का। यार देखो हम लोग भी ना इनसे कुछ पूछते हैं यार, मतलब इतना टैलेंट है तो चलो कुछ पूछा जाए इनसे। ओए अबे लवड़े इधर देख, गांड मरवाएगा। यार भैया क्या पूछ ले हो यार, जिनसे कैमरा उधार मांग के लाया हूँ उसने भी गांड मार दी, और पहले मेरे को बोला दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन यार भैया उसे अभी तक भी ठीक से चला नहीं जा रहा, और आप भी मेरी गांड मारना चाहते हो। अरे वाह बस कर बकचोदी मत कर भाई, हम नहीं मारेंगे तेरी गांड, जितनी मारनी थी हमने मार ली। तो ठीक है यार, वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार मेरे भाई, कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।